দাঁড়িয়া মাছির বিয়ে করাতে যাব, গুত্তা মাছি বলি আমি, গুত্তা মাছি বলি আমি, নাকের লুলুগে হব গৌরঙ্গিলা, দাঁড়িয়া মাছির বিয়ে করাতে যাব, ও দাঁড়িয়া মাছির বিয়ে করাতে যাব গৌরঙ্গিলা, দাঁড়িয়া মাছির বিয়ে করাতে যাব। नमस्ते मणिमाला। नमस्ते। हम सेव द आर्टिस्ट के तहत आपसे फिर एक बार जुड़े हैं और इसका इसी श्रृंखला में हमारा 13वां एपिसोड है ये। और कहते हैं कि कलाकार भगवान का एक बहुमूल्य दिव्य रत्नों में से एक रूप होता है, जो हमें अपनी कला के माध्यम से संसार को दिखाने के लिए नई दृष्टि प्रदान करता है। आज की श्रृंखला में हमारी अतिथि है पटचित्र यानी पटुआ चित्रकला की जानी मानी कलाकार आदरणीय मणिमाला चित्रकार जी। मणिमाला जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका जन्म भारत के पश्चिम बंगाल राज्य के पश्चिमी मिदनापुर जिला में हुआ और आप बचपन से ही पटचित्र कला के प्रति बहुत जागरूक रही। आपने अपने दादाजी से दिश्यूश्याम चित्रकार जी से, जो आपके गुरु भी हैं, उनके मार्गदर्शन में पटचित्र कला को सीखना शुरू किया। जी। आप अपने नया गांव की पहली महिला हैं जिन्होंने इतनी चैलेंज लेकर अपनी प्रतिभा को दिखाने के लिए घर से बाहर देश विदेश में कितने ही जगह घूम चुकी है और अपनी न जाने कितनी तरह की आप अपनी चित्रकलाओं को लोगों तक पहुंचा पाई हैं। आज हम आप कोलकाता, शांति निकेतन, दिल्ली, बैंगलोर, भोपाल की यात्रा कर चुकी हैं। आपने विदेशों में बॉस्टन में अपनी प्रदर्शनी लगाई, बैंकॉक गई, लंदन गई, लिवरपूल, न जाने कहाँ कहाँ गई और आज आप हमारे सामने हैं और हमें इस बात पर बहुत गर्व है। संस्कृत में पट्टा का अर्थ होता है कपड़ा और चित्र का अर्थ होता है चित्र। इसी इनमें से अधिकतर चित्र हिंदू देवी देवताओं की कहानियों पर आधारित होते हैं। बंगाल पटचित्र पश्चिम कला की एक सार्वभौमिक बहुत संदर्भित कला है। यह पश्चिम बंगाल की पारंपरिक और पौराणिक विरासत है। आज हम आपका स्वागत करते हैं और आप अपनी कला का आज हमारे देखने वालों को इसके विषय में बताएंगी। और आज आपका पहला सवाल ही हम यही से कर रहे हैं कि इसको बनाने की क्या विधि है और इसमें आप किन चीजों का, किन वस्तुओं का प्रयोग करती हैं? जी नमस्कार। हम लोग जो जो हम लोग बनाते हैं कपड़ा में भी बनाते हैं, वो जैसे जो लैंप जलाते हैं ना, वो लैंप लैंप का जो शीशा देके हम लोग मिट्टी का खोला को ऐसा रख के उसका नीचे लैंप जला के तो तेल दे देने से आता है का गम, बेल का गम मिलाने से वो कलर बन जाते हैं, वो काला कलर बन जाते हैं। तो हम लोग जो खाते हैं ना पुई साग, तो पुई साग जो सब्जी खाते हैं उसका जो दाना होता है तो उससे जो बैंगनी कलर होता है ना, तो हम लोग बंगाली में बैंगनी कलर बोलते हैं, जो हम ब्लाउज पहना है ना तो वो यही कलर मिलता है वो पुई साग पुई सब्जी से। तो जितना भी जैसे हम लोग जो गांव का जो गोबर होता है तो गोबर को हम लोग खाना बनाते हैं, तो खाना बनाने के बाद तो जल जाते हैं ना, तो उससे हम लोग ग्रे कलर बनाते हैं, तो उसके साथ वही बेल का गम मिला दे लेते हैं। और जो हम लोग तो मिट्टी का चूल्ही में हम लोग खाना बनाते हैं, तो चूल्ही तो मिट्टी का है ना, तो पक जाने बाद वो जो कलर वो आ जाता है, तो फिर जो नीला कलर होता है वो तो इंडिगो हम लोग करते हैं, मगर अपूरिचित जो फूल है ना तो उससे भी हम लोग नीला कलर बनाते हैं। तो जैसे बहुत ही
जो जितना भी कलर है हम लोग नेचुरल कलर बनाते हैं, तो प्राकृतिक कथा से भी, हाँ ये पटचित्र का ऊपर हम लोग यूज करते हैं। मगर जो हम लोग साड़ी बनाते हैं, जैसे हम साड़ी पहना है, ये साड़ी पटचित्र है, इसमें ये पटचित्र है, ये ऐसे जैसे है। वाह क्या बहुत ही खूबसूरत है, और मैंने भी आपकी प्रदर्शनियों में से बहुत कुछ खरीदा हुआ है, मैं भी पहनती हूँ आपकी कला कृतियों को, बहुत सराहा भी जाता है, हम आपके बहुत बड़े प्रशंसक भी हैं, और हम बड़ी दिनों से कोशिश कर रहे हैं कि हम आपको ऑनलाइन ले पाए, लेकिन आपके यहाँ भी मुझे पता लगा बहुत प्रॉब्लम आपके यहाँ चल रही थी, पहले तूफान आ गया, फिर आप बीमार हो, कोरोना भी चल रहा है, काम भी नहीं है, आपको बहुत परेशानियां हो रही हैं, घर भी टूट गया था। जी जी जी, वो तूफान आने का बाद हम लोग अभी हमारा घर का ऊपर पेड़ गिर गया था, और वो कोरोना जैसे कोरोना आने के बाद हम लोग का बहुत ही प्रॉब्लम हुआ है, क्योंकि हमारा 6 बच्चा है, 2-3 बेटी है, 3 बेटा है, और 3 बहू है, 3 बेटी है, और 3 दामाद है, और 11 जन पोता पोती है, तो इतना लोग है, हम लोग सब कोई बहुत ही परेशानी में हम दिन गुजारा है, कैसे हम लोग बताएंगे, तो बच्चे लोग का मुंह में खाना देने का भी मिला नहीं, तब इतना ही बहुत ही परेशानी गया है, क्योंकि जिसका पैसा है वो उसका तो ठीक है, और हम लोग यही पेंटिंग बना के गाना सुना पैसे कमाते हैं, तो मैम 1 साल हम कोई 1-1.5 साल कोई इनकम ही नहीं है, कुछ कहाँ से क्या करेंगी, फिर कहीं दवाई मिलता है तो फिर खाने मिलता है, खाना मिलता है तो दवाई नहीं मिलता है, बहुत ही हम लोग कष्ट उठाया, तो ये हमारा पेंटिंग कुछ कर दी गया तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा, बहुत ही परेशानी में है, बहुत ही कष्ट में, और जो हम लोग जैसे क्या बोलेंगे, पहले जो हमारा जो दादाजी परदादाजी वो लोग क्या करता था, जो पेंटिंग गांव-गांव में जाके घर घर में गाना सुना के चावल कपड़ा लोग का जो पुराना कपड़ा होता था तो मांग के लाके सबको देता था, पहनता था, ऐसे जीवन चलता था, तो वो लोग तभी भी जो ये कला को छोड़ा नहीं है, ये पटचित्र को छोड़ा नहीं है, तभी भी पटचित्र को पकड़ के रखा है, परंपरा को हम बहुत वो लोग को बधाई देते हैं, प्रणाम देते हैं, वो लोग जो वो लोग पकड़ के रखा था बोल के, इसीलिए हम वो कला को हम लोग को नसीब में, तो हम लोग को नसीब में कला नहीं मिलता, अवसर था हम लोग कभी नहीं मिल पाते, ये हमारा बहुत ही हम भगवान को ईश्वर को वो अल्लाह को जना बोलते हैं, जो हम जितना बार भी जन्म लेंगे तो कला कर करके अब हम लोग को भेजो, मेरे को भेजो, ऐसा हम बोलते हैं, क्योंकि कला ऐसा चीज है तो लोग का दिल भी बिगला देते हैं, लोग का दिल जीत लेते हैं, जैसे हम ये कला नहीं जानते तो हम कितना भाषा मेरे को समझ में नहीं आता, कितना देश गया है, कितना भाषा है, अलग अलग भाषा है, अलग अलग कहानी है, कितना कुछ कैसे प्लेन होता था, तो हम कला नहीं जानते तो प्लेन में कभी नहीं चढ़ पाते, हम कला नहीं जानते तो कभी नहीं ट्रेन में भी चढ़ पाते, हम कला नहीं जानते तो कभी कोई क्या है, मेरा जो कलकत्ता है वो भी हम, मेरा गांव में बहुत ही लोग है मैम, कलकत्ता को भी नहीं जानते हैं, कभी नहीं गया है, तो हम एक कला को हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, आप लोग जैसे अफसर लोग का साथ हम मिला है, चूला है, तो
सचमुच हमारा जो कहानी है बहुत दुख का कहानी है मैम। हमारा पीडब्ल्यू जीगा का ऊपर घर करके हम लोग रुका था, तो एक कला को के इसका ऊपर गाना गा के हमारा जो दादू है दुख चित्रकार, वो हमारा दादा मणि, वो हमारा दादाजी भी है। मणिमाला आप गाती भी है ना, गाना सुनाइए ना, वो जो आप पेंटिंग के साथ गाना सुनाते हैं, प्लीज वो सुनाइए। हाँ हाँ, तो हम कला को बेच के हम फिर पीडब्ल्यू जिगा का ऊपर से फिर थोड़ा घर बनाया। हमारा घर दिखाएंगे आपको? बिल्कुल दिखाइए। पेंटिंग उसमें, हाँ पेंटिंग बनाया है वो देवाल में। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहती हूँ कि ये बहुत चैलेंजिंग है जो हम दिखा रहे हैं। उनके यहाँ नेटवर्क नहीं है, कोई फोन को हैंडल करने वाला नहीं है, फिर भी हम काफी दिन से कोशिश कर रहे हैं। वाह क्या सुंदर पेंटिंग है, हम लोग बहुत अपने आप को गौरवान्वित पाते हैं कि ऐसे कलाकार देखिए हमारे देश में हमारी संस्कृति को बचाने में सदियों से लगे हैं, और आज उनको हमारे सहयोग की जरूरत है, और हमें आज अपना सहयोग का हाथ बढ़ाना चाहिए और अपनी कलाओं को बचाने में बिल्कुल हम निरंतर लगे रहेंगे अपने छोटे छोटे प्रयास के साथ। बहुत ही सुंदर ये घर तुम्हारा सारा आपने बनाया है मणिमाला? जी जी, हम लोग की बनाया, ये हमारा घर है, ये घर अच्छा है। बिल्कुल, ये ऊपर नारियल है, ये क्या है, ये ऊपर पेड़ किस चीज का है? ये ले, ले बाताबी लेबू है, लेबू नेबू लेबू, ये बहुत बड़ा है, ये वाला, ये वाला। अच्छा अच्छा, वाह बहुत बहुत सुंदर। अब आप सुनाइए हमें गाना, पेंटिंग हम दिखाते हैं आपकी और आप गाना सुनाइए। हाँ ये पेंटिंग, ये पेंटिंग हम दिखाते हैं। हाँ ये कोरोना में बनाया आपने जो? नहीं मैम, ये पेड़ का ऊपर है मैम, पेड़ पेड़। अच्छा। एक पेड़ कटने से पेड़ बहुत पेड़ लगाना चाहिए, क्योंकि पेड़ से ऑक्सीजन मिलते हैं, फल मिलते हैं, जूस मिलते हैं, और पेड़ से बहुत कुछ मिलता है। पेड़ नहीं रहने से तो ऑक्सीजन नहीं मिलेगा ना, इसीलिए पेड़ का ऊपर बनाया। हाँ थोड़ा, हाँ हाँ हाँ, थोड़ा गाना सुनाते हैं। बिल्कुल, সবাই মিলে কহরো গাছি রোপন ও জনগণ, সবাই মিলে কহরো গাছি রোপন, তোমরা সবাই মিলে কহরো গাছি রোপন ও জনগণ, সবাই মিলে কহরো গাছের পন। গাছ থাকিলে ঘরের কাছে মানুষের উপকারি করে, গাছ থাকিলে ঘরের কাছে মানুষের উপকারি করে, বাতাসে নিশ্বাস ধরে গাছের ধরম ও সবাই মিলে করো গাছ রোপন, সবাই মিলে করো গাছ রোপন ও জনগণ, সবাই মিলে করো গাছ রোপন, গাছের ধরম ও জনগণ, সবাই মিলে করো গাছ রোপন, সবাই মিলে করো গাছ রোপন ও জনগণ, সবাই মিলে করো গাছ রোপন, গাছ থাকিলে পুকুরে পাড়ে
মাছ কিন্তু তিন গুণ বাড়ে, মাটি কেসে আঁকড়ে ধরে ধসে না কখন, ও জনগণ সবাই মিলে কর গাছ রোপণ, সবাই মিলে কর গাছ রোপণ, ও জনগণ সবাই মিলে কর গাছ রোপণ। তাল গাছেতে উপকার পাই আমরা, তাল গুড়ার মিশ্রি তো খাই, তাল গাছেতে উপকার পাই আমরা, তাল গুড়ার মিশ্রি তো খাই, উপকার তুলনাই সবাই, ও জনগণ সবাই মিলে কর গাছ রোপণ, সবাই মিলে কর রোপণ, সবাই মিলে কর গাছ রোপণ। নারকেল গাছে উপকার পাই আমরা, নারকেল কত কাজে লাগাই, নারকেল গাছে উপকার পাই আমরা, নারকেল কত কাজে লাগাই, ডাবে জলে ঢালে শিবের মাথায় শাস্ত্রেতে লিখন, ও জনগণ সবাই মিলে কর গাছ রোপণ, সবাই মিলে কর গাছ রোপণ, ও জনগণ সবাই মিলে কর গাছ রোপণ। গাছ থেকে ঔষধের জনম উপকারের জীবন মহরণ, গাছ থেকে ঔষধের জনম উপকারের জীবন মহরণ, ব্যাধি ঔষধ ধারণ করে সর্বজন, ও জনগণ সবাই মিলে কর গাছ রোপণ, সবাই মিলে কর গাছ রোপণ, ও জনগণ সবাই মিলে কর গাছ রোপণ। গাছের মধ্যে গাছে তো প্রাণ, তাই তো বলি গাছ লাগান, গাছের মধ্যে আছে তো প্রাণ, তাই তো বলি গাছ লাগান, আবেদন ও জনগণ সবাই মিলে কর গাছ রোপণ, সবাই মিলে কর গাছ রোপণ, ও জনগণ সবাই মিলে কর গাছ রোপণ, সবাই মিলে কর গাছ রোপণ, সবাই মিলে কর গাছ রোপণ। নমস্তে। ভেরি নাইস মণিমালা জি, আপ তো বহুত হি সুন্দর গাতি ভি হ্যায়, পুরি সব কলাও মে নিপুণ হ্যায় আপ। अब हम आपके जो प्रोडक्ट्स हैं, आपकी टी शर्ट है, आपकी पेंटिंग्स है, उसको दिखाएंगे और उसके विषय में आपसे बात करेंगे। उसके बाद हमारी टीम में पुरुषोत्तम हमारे साथ हैं, सभ्यसाची हमारे साथ हैं, वो दोनों भी आपसे क्वेश्चंस पूछेंगे और हम इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाए, पेंटिंग दिखाई जाए इनकी। पेंटिंग दिखाएंगे? हाँ जी, देखिए आप, हम आपकी पेंटिंग दिखा रहे हैं, आप इसके विषय में हमें बताइए। देखिए आपकी है ना? अच्छा, मैं क्या नहीं नहीं आ रहे मैम? आ रहा है फोन में?
बहुत ही खूबसूरत है, दिखाओ, देखिए आप, बताइए क्या लीला है। ए सुना, ए करुणा का है, ए हाँ, ए क्या है, मुरा क्या है, हाँ ये कृष्ण लीला है, ये मंगला में गाना किया है, ये करुणा अच्छा। का ऊपर है, करुणा वायरस का ऊपर, ये करुणा का ऊपर का है, ये स्कूल में बनाया है, स्कूल स्कूल का वॉल पर, अच्छा जी, स्कूल का वॉल बनाया है ये पेंटिंग, हाँ ये आपको हाँ। पुरस्कार मिला, ये हमारा स्टॉल है, ये जी जी पुरस्कार, पुरस्कार संगीत सम्मान, संगीत सम्मान, संगीत सम्मान, ए ममता जी, हाँ और ममता जी है, कुमार सानू है, जीत गांगुली है, जीशु सेन है, बहुत ही लोग, हाँ बहुत बहुत बधाई आपको जी जी। इसके पीछे आप हमें कहानी सुनाए कि ये जो आपको सम्मान मिला है, संगीत गौरव सम्मान मिला है, इसके पीछे आप हमें इसका कहानी सुनाइए कि क्या क्या इसके पीछे अच्छा। राज था और इसका क्या आमी बांग्ला है बोलते पारी जे बोलो बोलो जे लोके दे आसले एटा আমি বিভিন্ন জায়গায় গেছি এবং আমার যে লোক লোক পরিষদ যে অফিস আছে মানে সল্লেকে, তো ওখানে আমার খুব সম্পর্ক ভালো আছে, আমি ওখান থেকে অনেক প্রোগ্রাম পাই, অনেক স্টেজে আমি প্রোগ্রাম করি এবং বিভিন্ন জায়গায় আমি গান রচনা করেছি, অনেক ধরনের গান রচনা করেছি, অনেক ধরনের গান গেয়েছি। তুমি হিন্দিতে বলো, আমাদের দর্শক সবাই যাতে তোমাকে বুঝতে পারে। আচ্ছা 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 আচ্ছা, তো আমাদের যে মানে শিল্পীদের যে লোক কলা পরিষদ বলে অফিস আছে, তো অফিস হয় জি জি জি, যে হম লোক কা যে কলাকার के लिए जो लोक कला परिषद का एक ऑफिस है, तो वो ऑफिस में हम लोग को मेरे को बुलाते हैं और बहुत ही प्रोग्राम देते हैं गाना गाने के लिए। तो मैं 2001 साल में हमारा जो जो यूनिवर्सिटी है रविंद्र भारती विश्वविद्यालय जो है हमारा कलकत्ता में, तो हम 2001 उधर हमारा पेंटिंग जमा किया था, तो राज्य पुरस्कार हम मेरे को 2001 साल में मिला है, तो हम 2001 से और भी पहले से हम बहुत ही गाना हम गाते हैं, गाना गाने के लिए मेरे को बहुत ही अच्छा लगते है, क्योंकि हम बचपन से हम नाटक में हम हीरोइन का पार्ट करता थे, और हमारा जो गांव में यात्रा बोलते हैं, बंगाली यात्रा बोलते हैं, तो यात्रा में भी हम हीरोइन का अभिनय किया है, तो इसीलिए हम गाना गाने के लिए मेरे को बहुत ही अच्छा लगता है। और हम ये लिथुआनिया है, ये जो हम मेरे को पिक्चर आप दिखा रहे, ये लिथुआनिया गया था हम, तो अच्छा हाँ, तो हम इसीलिए ये लिथुआनिया गया था, हम लिथुआनिया गया है, मैं बोस्टन ब्राउन यूनिवर्सिटी में गया है, और न्यूजीलैंड गया है, ऑकलैंड भी गया है, और थाईलैंड बैंकॉक में गया है, लंदन गया है, लिवरपूल गया है, और लिथुआनिया गया है, और लास्ट में हम 19 साल में हम बुदापेस्ट गया था, हंगेरियन बुदापेस्ट, बहुत ही हंगेरियन गया था, बहुत ही आपकी यात्रा, और हम चाहेंगे कि इसको हम और दिखाएं आपके पूरी ए, 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 ओ,
ये हम केरला गया था, केरला, हाँ भोपाल गया है, केरला गया है, पहले जो पुरस्कार मिल एक सर्टिफिकेट दे रहा है, हाँ ये केरला गया है, ये भी केरला गया है, और ये भोपाल गया है। ये भोपाल में मेरे लिए एक गैलरी भी वो लोग बनाया है, ये बहुत बड़ा पत्थर है, इसमें दोनों साइड में हमारा काम है, और उधर हमारा लिए एक माइथोलॉजी ट्रेल भी हमारा नाम बारे में बनाया है वो लोग, और ये बहुत बड़ा पत्थर है, ये दोनों साइड में काम है, ये बहुत ये जो सफेद दिखा रहा है इसमें हमारा नाम एड्रेस सब लिखा है, वो जो झुपड़ी, हाँ वो झुपड़ी अंदर भी हमारा काम है, वो जो झुपड़ी का अंदर बहुत काम है, उसमें भी काम है, तो हम बहुत जगह गया है, बॉम्बे दिल्ली सब जगह गया है। मणि माता जी आपको सब बहुत प्यार है, क्या है जी 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 टी शर्ट दिखाएं जरा, इनके टी शर्ट्स होंगे प्रोडक्ट्स। को बता दे कि मणिमाला जी हमारे साथ है, और जैसे कि आपने देखा कि मणिमाला जी इतने इतने वर्ल्ड फेमस और विख्यात पटुआ पेंटर है, और पूरे विश्व में इन्होंने अपनी कला को लेके भारत को, भारत का नाम और हमारे देश का नाम आगे आगे किया है, और इसी सिलसिले में हम उनके कुछ इस अब प्रोडक्ट्स हम देखेंगे। आइए हम देखते हैं उनके पेंटिंग्स, उनके टी शर्ट्स और अलग अलग सुंदर सुंदर उनकी रचनाएं जो जो कि हमारे देश के संस्कृति और सभ्यता को ऐड भी करना चाहूंगी कि रेट भी लिखा हुआ है, अगर आप लोग ऑर्डर करना चाहें तो आप मणिमाला जी से डायरेक्ट खरीद भी सकते हैं, है ना। हाँ मैम, इधर भी है, इधर भी हम सजाया है, थोड़ा दिखा देते हैं। हेलो, बिल्कुल दिखाएंगे। हाँ, दिखाते हैं अब एक बार आपके। हाँ, हम वो भी देखेंगे, हम दर्शकों को पहले आपके कुछ पेंटिंग्स हम दिखा दें, जो कि ये इतनी मेहनत है, इतनी सुंदर कलाकारी है, कितना प्यारा रंग भरा है इन आपने चीजों में, बहुत ही मनमोहक है, मात्र इसका नीचे रेट भी लिखा हुआ है, 500 रुपया है इसका, इसका भी 500 है, आप मंगा सकते हैं मणिमाला जी से डायरेक्ट जी। इस ये है इनका रेट, इनका साइज भी लिखा है, 1 feet 10 inches टॉल एंड 1.25 feet चौड़ा, और ये देखिए बहुत ही सुंदर, हमारे देश के विभिन्न विभिन्न जनजातियां समाज को दर्शाती है, और समाज में अलग अलग जो वर्ग है उनके सिचुएशन, उनके रहन सहन पालन को, सब सारी संस्कृति को इसमें अपने आप में समाया हुआ है। ये है पावर। इसके बारे में थोड़ा बताएं आप मणिमाला जी, ये जो जंगल में शेर और हिरण को दिखाया है, ये कोई लोक कथा होगी? हाँ, वो लोग जी 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 वो जैसे ऐसे जैसे हम लोग इंसान जैसे समाज में रुकते हैं, हम लोग का भी फेस्टिवल होता है, हम लोग का भी मोहब्बत होता है, तो हर टाइम तो हम लोग लड़ाई नहीं करते हैं ना मैम, तो ऐसा हम सोच के ऐसा बनाया जो वो लोग भी फेस्टिवल बनाते हैं, दूसरे मतलब दोनों प्यार मोहब्बत भी करते हैं, हर टाइम जो खाना पड़ता है यही, ये नहीं है, हम यही सोच के ऐसे बनाया है। बहुत अच्छा, बहुत ही सुंदर। हाँ हाँ जी जी जी, ये है लक्ष्मी जी है, लक्ष्मी जी। और आप देख सकते हैं कि इतने खूबसूरती से और इतनी डिटेल में, इतने मेहनत से, ये बारीकी है काम में, देखिए बहुत बहुत हमें गर्व है आप पर कि आप हमारी देश की एक बहुत चमकती हुई कलाकार हैं, नेशनल अवार्डी हैं, और आज परेशानियों को झेल रही हैं, और आशा करते हैं सब कुछ फिर से सामान्य होगा,
फिर से वाह कितने सुंदर हैं टी-शर्ट्स मनीवाला जी, देखिए चुन्निया दुपट्टे, ये आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं, सब कुछ अवेलेबल है। देखने वाले लोग, हम आपको लिंक भी देंगे जी। जी और? आप इनकी इन मनीवाला जी का फोन नंबर आपको आपके हमारे पोस्ट में लिखा है, आप इन्हें फोन कर सकते हैं और आपको घर पे कुरियर कर दिया जाएगा डिलीवरी शिपिंग और डिलीवरी के साथ। इंडिया में नहीं देखे थे उन्होंने फोकस करे नहीं ओदर टा फोकस उनके प्रोडक्ट पर है। ये शी इज रेडी एंड एक्साइटेड फॉर इट। मैम को फ्रेम दीजिए, उनके प्रोडक्ट्स दिखाइए। वाह जी जी ओके ओके जी जी मैं आई विल टेक हर इन द फ्रेम नाउ। या या प्लीज। और कुछ कुछ चुन्नियों के फोटोज भी है मुनिमाला जी। अपना जे टी शर्ट और चुन्नी और दुपट्टा जेगुलो आप अपनी बनिए छेन ओगुलो हमारे जी ओगुलो हमारे स्क्रीन में देखा जा सकता है। सेगुलो देखाते हैं। हां हां अच्छा, आमी সাজিয়ে রেখেছি, আমি দেখাবো। হ্যাঁ আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, আমিও কিছু সাজিয়েছি। হ্যাঁ নিশ্চয় নিশ্চয় অবশ্যই। আর আমাদের সঙ্গে নিশ্চয়ই। আর এটা আমরা বলে দিই কি এটা মনিমালা জি, যারা যারা আমাদের সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গ থেকে জুড়ছে তাদের জন্য বলে দিই যে মনিমালা জি পিংলা জেলাতে থাকে আর এই পেন্টিং আর এই দুপাট্টা উনি বানায়, আর তুমি ওদের থেকে ওনার থেকে অর্ডার করে করতে পারো, তোমাকে ডেলিভারি হয়ে যাবে ঘরে এই টি শার্ট আর দুপাট্টা। থ্যাংক ইউ। আই উইল হাম আব চলতে হ্যাঁ और मनीमाला जी के पास वापस उनकी कहानी सुनते हैं। मनीमाला जी को थैंक यू सभ्या। मनीमाला जी को फ्रेम में लीजिए, उनके प्रोडक्ट्स हम देखेंगे। वो लगा के बैठी हैं, बहुत एक्साइटेड हैं। हम भी बहुत उनके शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने इतनी मेहनत की हमारे लिए। ये बड़ा जो पेंटिंग है ना मैम, ये जो कहानी वाला पेंटिंग, कहानी वाला पेंटिंग है ये, बहुत ही बड़ा है ये, देखा रहे वाह ये तो बहुत खूबसूरत है, बहुत सुंदर है। मैंने भी ऑर्डर किया है, मुझे डिलीवरी मिल चुकी है और बड़ी अच्छे से पैकिंग करके भेज। ये जो है ये सेल है मैम, ये वाला क्या है, ये सेल है। अच्छा बहुत सुंदर था सभ्या। अब उनके प्रोडक्ट्स जो हैं हम फिर से देखना चाहेंगे जी। वो जुड़ रहे फिर से झीनुक 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 ऑयस्टर ना झीनुक ऑयस्टर इज इट समुद्र का झीनुक समुद्र का। हाँ समझ गए, समझ गए जीनो जीनो। इसके इसके ऊपर पेन, हाँ इसके एक केतली बनाने के लिए चाय बनाने के लिए दिखाइए। वाह केतली दुर्लभ चीज है आपके पास तो। केतली केतली इनुक ट्रे, बहुत सुंदर ट्रे है। टी लेने टी 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 के लिए ट्रे, ये आपने कब बनाई? ए बनाई अभी बनाई। अच्छा। ए जैसे ए कूला के ऊपर भी काम करते हैं, ए भी काम करते हैं। ये भी मैंने खरीदा था आपका प्रदर्शनी, बहुत सुंदर है। सब देखे थे, मेरे घर में भी पेंटिंग लगी हुई है आपकी। हाँ हाँ चाय की केतली, अच्छा केतली है ये। इसका हाँ, प्राइस क्या है? हाँ, इसका चाय बनाने के इसका दाम बताइए, दाम ताकि लोग मंगा सके। हाँ इसका रेट रेट बताइए। 800 मात्र। हाँ टी शर्ट कितना सुंदर है, दाम बताते जाइए साथ। टी शर्ट नहीं,
हाँ कुर्ती 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 हाँ 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 कुर्ती है। इसका दाम नहीं बताया आपने, दाम बताइए ना। एक कुर्ती 1000 की है जी, 1500 1500 क्योंकि एक काथा स्टिच का भी काम है और हमारा भी काम है। 1500 की है कुर्ती। आज मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ, इतना सुंदर मुझे देखने को मिला। आपको कैसा लग रहा है सभ्या, आपने भी ऑर्डर किया कुछ? जी मैंने टी शर्ट ऑर्डर किया और कुर्ती ऑर्डर किया, सॉरी चुन्नी ऑर्डर किया, और बहुत ही सुंदर है और इतनी बारीकी से काम करके और हैंडक्राफ्ट बनाना इतना सुंदर हमें लग रहा है। हमने खुद भी ऑर्डर किया और बिल्कुल बिल्कुल आप भी ऑर्डर कर सकते हैं, बहुत रीजनेबल प्राइसेस है और आपको हर त्योहार में। जी जी मणिमाला जी हमारे साथ है। हाँ जी मणिमाला, हेलो जी, बोलिए बोलिए। ये जो कुर्ती है ना, इसमें काथा स्टिच का भी काम है। अच्छा, काथा स्टिच का भी काम है, हमारा भी काम है। ठीक है, अब आप मुझे ना वो दिखाइए जो कोरोना पर आपने एक पेंटिंग बनाई है और वो गाना भी सुनाइए जो कोरोना पे गाना भी बनाया आपने, वो हमारे चैनल पे। मैम वो आपको बाद में हम भेज देंगे क्योंकि वो बिक गया है, वो पेंटिंग बिक गया है। वेरी गुड, हेलो, वेरी गुड, हमने उसको बहुत बनाया है अपने चैनल पर। आप मणिमाला जी वो गाना तो सुना, हम फिर बना के हम हाँ थोड़ा गाना सुना देते हैं। वो पेंटिंग कितने का बिका? नहीं नहीं वो भीग गया है, वो भीग गया है, वो बिक गया। नो नो शी सेड सोल्ड, यू कैन आस्क इन बंगाली, शी सेड इट्स वेट, भीग गया, पूछिए जरा जी। मणिमाला जी वो जो करोना वाला पेंटिंग है वो आपके पास इस वक्त है जो आपने बनाया करोना काल पे, जो गाना 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 कंपोज किया आपने? ओ बिस्टी हुए चिलो ना, ओ हाँ बिस्टी हुए चिलो, ओ घरेर उपरे गाछ पड़े ओई अनेक पेंटिंग नष्ट हुए गेछे। नहीं गाना, वो कोरोना का गाना तो सुना सकती है। हाँ एक तो सुनाई है। हाँ गाना सुनाओ। सुनो गाना। तो कोरोना वायरस सारा बीसे छोड़िए दिलो सुधु हाहाकार, सुनो गो कोरोना वायरस सारा विश्व छोड़िए दिलो शुद्ध हाहाकार, जो तो हजार हजार लाखे लाखे देश विदेशर मानुष मरे, कत हजार हजार लाखे लाखे देश विदेशर मानुष मरे, आबार हाय हाय बोलिए कादे बाबा मायरा, কি করিব কোথায় যাব, শোনো গো করোনা ভাইরাস সারা বিশ্বে ছড়িয়ে দিল শুধু ও পেন্টিং দেখা কে গানা গানে সে না ও ইয়াদ রহতা হ্যায় ও নয়া পেন্টিং হ্যায় না ইসিলিয়ে উসকো বানা কে হাম গানা গা কে আপকো ভেজ দেঙ্গে ঠিক হ্যায় না হামারে পাস হ্যায় ऑलरेडी हम चला रहे हैं, हमारे पास है। Hello. हम तो आपसे सुनना चाह रहे थे और बहुत ही बढ़िया आपके साथ ये एपिसोड चल रहा है हमारा, और अगर आप कुछ और शेयर करना चाहती हैं तो बताइए। मणिमाला जी हमारे खूब भलो लगजे आपनार संगे प्लेटफॉर्मे आसते, एत सुंदर चुन्नी हमरा दर्शकदेर बोले दी जे जारा किनते चाय। হ্যাঁ আমরা শুনতে পাচ্ছি তোমাকে, আর আমাদের খুবই ভালো লাগছে তোমার সঙ্গে দেখা করে, আর আমরা দর্শকদের বলতে চাই যারা দেখছে সবাইকে যে আপনি হ্যাঁ এগুলো সব ওর না। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, এই যে সাজানো আছে মানে অনেক কষ্ট করে সাজিয়েছে দেখে নাও। হ্যাঁ হ্যাঁ আমি তোমার উপরে ফোকাস লাগাচ্ছি।
अपील करना चाहती हूँ कि कृपया सहयोग करें इनके सारे प्रोडक्ट्स को, आप अपने नेटवर्क में, अपनी फैमिली में दिखाएं और इनकी सेल हो और इनकी मदद हो, बस यही हमारा उद्देश्य है। आप अपने दोस्तों को, बच्चों को, फैमिली में दिखाएं जी। दर्शकों हमारे साथ दर्शक सुन रहे हैं ये जी, आप रंग बिरंगी कलर और बहुत ही खूबसूरत कलरफुल टी शर्ट्स, चुन्नी, पेंटिंग्स आप आपके त्योहार के लिए, न्यू ईयर के लिए, आप आपके बच्चों के लिए, आप जब जब जिसके लिए मन चाहे आप खरीद सकते हैं, आप गिफ्ट कर सकते हैं। और ये हमारे देश के एक संस्कृति को आप आपके छोटे से परचेज से इसको ये बचाए रखेगा, संजोए रखेगा आगे के लिए, और आपको एक बहुत ही बेहतरीन और कुशल कलाकारी की एक पेंटिंग आपके हाथों में, आपके घर में पहुंचेगी जी। मोनीमाला जी आपनी सुनते बच्चे ना मदर, आप देख सकते हैं कि ये सुनते बच्चे, आप देख सकते हैं कि ये पटुआ पेंटिंग के जो शिखर पर हमारे देश के सबसे सर्वश्रेष्ठ और बहुत ही उच्च स्तर के कलाकार जो इतने इतने सालों से, इतने पीढ़ी दर पीढ़ी इनके इनके कला की इन ये पूजा कर रहे, साधना करके और आज यहाँ पे आज हमारे साथ जुड़े हैं, आपको सब दिखा रहे हैं, और हम इतने इतने भाग्यशाली हैं कि मैम के साथ में हम आज जुड़े हैं। और हमें ऐसे लग रहा है जैसे कि हम कला के एक मंदिर में ही पहुंच गए हैं, इनका घर नहीं लेकिन बल्कि एक कला का एक अद्भुत एक मंदिर जैसे है, कार्यशाला है, जहाँ पे हम देश का एक छोटी सी इंडिया, मिनी इंडिया को ही देख पा रहे हैं कि इन्होंने इतने सुंदरता से, इतने विविध विविध रंगों से प्रकृति को दिखाया है, और हमारे भगवान को भी इसको दर्शित करा है अपने अपने पेंटिंग्स में। तो हम आज के इस वर्ग के अंत में हम मणिमाला जी का जो मैसेज है सारे देश के लिए, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे मणिमाला जी, आपको आप प्लीज अपना मैसेज दे दीजिए, बताइए हमारे देश के लिए जो आपको देख रहे हैं इस वक्त, ये आपका अंतिम मैसेज दीजिए। मणिमाला जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतनी मेहनत करके आई हमारे साथ जुड़ी, इतनी सुंदर लग रही हैं आप आज जी, जी। आपकी सारी हमने प्रोडक्ट्स को देखा, हमारा मैसेज है हमको थोड़ा हमारा नंबर जैसे 9009956 इसमें फोन करे और हमारा पेंटिंग लेंगे खरीद करके तो बहुत ही मेहरबानी होगा, हम बहुत खुश हो जाएंगे। थोड़ी बहुत तकनीकी परेशानियों के बावजूद हम प्रोग्राम को बहुत सफल मानते हैं, और मणिमाला जी आपका बहुत दिल से हम धन्यवाद करना चाहते हैं कि आप इतनी कृतियों के साथ आप आई, और आप हम काफी दिनों से ट्राई कर रहे हैं, आज सफल हो पाया, इसके लिए बहुत आपका शुक्रिया। और फिर से हम मिलेंगे, फिर से आपकी प्रदर्शनी लगेंगी, फिर से वर्कशॉप्स होंगी, फिर से हम आपका गाना सुनेंगे, आपकी लाइव वीडियो लगाएंगे। इन्हीं बातों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद मणिमाला जी, सव्यसाची जी और पुरुषोत्तम हमारी टीम से हैं, सबका मैं धन्यवाद करती हूँ जो सेव द आर्टिस्ट के छोटे से मुहिम में अपना योगदान दे रहे हैं, और हमारे देश जहाँ पर भी जितने भी कलाकार हैं, जहाँ भी वो रोजमर्रा की परेशानियों को जूझ रहे हैं उनको हम हाईलाइट करते हैं, उनके प्रोडक्ट्स बेचने की करते हैं, और हम हर बार नए कलाकार के साथ, नए प्रोडक्ट्स के साथ फिर से आपके सामने शामिल होंगे। इसी के साथ मैं आप सबका धन्यवाद करना चाहती हूँ और थैंक यू सो मच। लास्ट में आपका गाना बजेगा এখন করোনা ভাইরাসের উপরে গান গিয়ে আপনাদের শোনাচ্ছি। ও শোনো করোনা ভাইরাস সারা বিশ্বে ছড়িয়ে দিল শুধুই হাহাকার, শোনো গো করোনা ভাইরাস, মোর গান ছেড়ে দিছে সেই করোনার গান, ছড়িয়ে দিল শুধুই হাহাকার।
ছড়িয়ে দিল দেশ বিদেশের মানুষ মরে আবার হাই হাই বলিয়ে কাঁদে বাবা মায়েরা আবার হাই হাই বলিয়ে কাঁদে ভাই বোনেরা এত দুঃখ কারে জানাবো বলো গো বিধাতা কে আবার করোনা ভাইরাস সারা বিশ্বে ছড়িয়ে দিল শুধুই হাহাকার তোমাদের জ্বর বলে যেতে হবে হাসপাতালে তোমাদের জ্বর কাশি হলে তোমাদের গলা ব্যথা শ্বাস কষ্ট যদি হয়ে থাকে রক্ত পরীক্ষা তোমায় আগে করতে হবে রক্ত পরীক্ষা তোমাদের আগে করতে হবে শোনো করোনা ভাইরাস সারা বিশ্বে ছড়িয়ে দিল শুধুই হাহাকার হাত ধুতে হবে সাবান দিয়ে সবাইকে বারে বারে হাত ধুতে হবে সাবান দিয়ে সবাইকে বারে বারে আবার ডাক্তার বাবুদের পরামর্শ আমরা মেনে চলিব সবাই আমরা ডাক্তার বাবুদের পরামর্শ মেনে চলিব সবাই করোনা ভাইরাস সারা বিশ্বে ছড়িয়ে দিল শুধুই হাহাকার ও সে গরিব ধনী মানি নারী যাইবে দিয়ায় ও সে ধনী গরিব মানি নারী যাইবে দিয়ায় করোনা ভাইরাস সারা বিশ্বে ছড়িয়ে দিল শুধুই হাহাকার করোনা ভাইরাস রুগীদের দিনে রাতে করে যাচ্ছে সেবা করোনা ভাইরাস রুগীদের দিনে রাতে করে যাচ্ছে সেবা কত স্বাস্থ্য কর্মী নার্স দিদি আর ডাক্তার বাবুরা কত স্বাস্থ্য কর্মী নার্স দিদি আর ডাক্তার বাবুরা সমাজের কাছে ওনারা দ্বিতীয় ভগবান শোনো গো করোনা ভাইরাস সারা বিশ্বে ছড়িয়ে দিল শুধুই হাহাকার মাস্ক পরতে হবে সবাইকে যদি যাও হাট বাজারে মাস্ক পরতে হবে সবাইকে যদি যাও হাট বাজারে আবার দূরত্ব বজায় রাখতে হবে শোনো গো সবাই তোমরা দূরত্ব বজায় রাখতে হবে শোনো গো সবাই করোনা ভাইরাস সারা বিশ্বে ছড়িয়ে দিল শুধুই হাহাকার আমাদের কেন্দ্র সরকার রাজ্য সরকার লকডাউন আইন করেছে ভাই আমাদের কেন্দ্র সরকার রাজ্য সরকার লকডাউন আইন করেছে ভাই
সরকারের আইন মেনে আমরা চলিব সবাই সেই সরকারের আইন মেনে আমরা চলিব সবাই করোনা ভাইরাস সারা বিশ্বে ছড়িয়ে দিল শুধুই হাহাকার সাফাই কর্মচারী রিপোর্টার আরো আছে পুলিশ বাবুরা সাফাই কর্মচারী রিপোর্টার আরো আছে পুলিশ বাবুরা ওনাদের কথা বলবো কত শোনো গো সবাই তোমরা ওনাদের কথা বলবো কত শোনো গো সবাই সারা জীবন জনগণের সেবা করে যাই আমাদের তরফ থেকে ধন্যবাদ জানাই শোনো করোনা ভাইরাস সারা বিশ্বে ছড়িয়ে দিল नमस्ते मणिमाला जी, जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका नमस्ते ज्वाइन करने के लिए। आपको भी धन्यवाद, मेरा दर्शक को भी धन्यवाद, सबको धन्यवाद मेरा तरफ से। फिर से मेरा पता बता रहे हैं, मेरा गांव का नाम नया है और पोस्ट ऑफिस वो नया है और मेरा पुलिस स्टेशन पिंगला और जिला पश्चिम मेदिनीपुर, पिन कोड नंबर 72 11 40 और फोन नंबर 9800009556। नमस्ते नमस्ते, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, नमस्ते। मैं सारे दर्शकों को जो हमें देख रहे हैं इस वक्त, उनको मेरा बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूँ। आप हमारे इस कार्यक्रम में आज जुड़े हमारे साथ और आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि आपने इस हमारे इतने सुंदर और हमारे देश के इतनी सुंदर कला को आपने समर्थन दिया और आपने सेव द आर्टिस्ट के इस कार्यक्रम के साथ जुड़े और हमारे देश के इतने इतने विख्यात कलाकार, इतने इतने ट्रेडिशनल, इतने सुंदर कलाकारों को आप सपोर्ट कर रहे हैं। ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखिए हमारे देश की संस्कृति और कला के लिए और ऐसे सुंदर सुंदर हम नगमे आपके लिए लेके आते रहेंगे, ऐसे सुंदर सुंदर गीत, सुंदर पेंटिंग, ये पेड़ और ये पौधे। हम सबसे यही आपसे हमारी विनती है कि नए साल में आप बहुत खुशियों भरा आपका नया साल गुजरे और इसी तरह आप हमारे देश की संस्कृति से जुड़िए, हमारी मिट्टी से जुड़िए और बस यही हमारी आप सब लोगों से मैसेज है। फ्रॉम सुमन डुंगा जी फ्रॉम सेव द आर्टिस्ट, कभी मिट्टी की खुशबू लीजिए देश की, कभी हवा, हमारे देश की हवा का आनंद लीजिए और कभी संगीत का आनंद लीजिए और कभी अपने मन को इसमें लीन होके देखिए कितना आनंद मिलता है और कितनी खूबसूरती हमारे देश की। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सेव द आर्टिस्ट और सुमन डुंगा जी की तरफ से आपको हैप्पी न्यू ईयर कहता हूँ और अलविदा, और फिर से नए साल में हम इसी तरह जुड़ते रहेंगे, मिलते रहेंगे और सेव द आर्टिस्ट की मुहिम को आप तक पहुँचाते रहेंगे। थैंक यू, धन्यवाद, अलविदा, खुदा हाफिज, शुक्रिया।